Most welcome in P News International. Today in this video I will say biography of Anil Kumble. आइए जानते हैं अनिल कुंबले का जीवनी. अनिल कुंबले भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं. यह जिम लेकर के बाद विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं. अनिल कर्नाटक प्रदेश के बंगलोर नगर के निवासी हैं. इनके सम्मान में इस नगर के एक सबसे मुख्य चौराहे को अनिल कुंबले चौराहा नाम दिया गया है. और इनके बारे में बताया जाए तो अनिल कुंबले शुरू के क्रिकेट मैचों में बल्लेबाज के रूप में खेलते थे, अतः उनकी छवि बल्लेबाज की ही बनने लगी थी. 1990 में हुए मैचों में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए उन्होंने दिल्ली में 113 रन बनाए. उसी वर्ष उन्होंने अपने टेस्ट जीवन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रफर्ड में ग्राहम गुच की इंग्लिश टीम के विरुद्ध खेलते हुए अपने प्रथम मैच में 3 विकेट लिए. इसके पश्चात टेस्ट मैच में खेलने के लिए कुंबले को सवा वर्ष तक इंतजार करना पड़ा. फिर उन्होंने 1992-93 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट मैच खेला. इस बार के दक्षिण अफ्रीका तथा जिम्बाब्वे के दो देशों के टूर में अनिल कुंबले सफल खिलाड़ियों में से एक थे. उसके पश्चात भारतीय क्रिकेट टीम में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है. कुंबले अपने आदर्श चंद्रशेखर की भांति ही खेलों में सफल रहे हैं. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अच्छी पहचान बनाई है. कुंबले पारंपरिक स्टाइल से हटकर स्पिनर हैं, जो कभी गुगली गेंद फेंकते हैं और कभी मीडियम पेस फास्ट गेंद फेंकते हैं. वह गेंद को अधिक घुमाते नहीं हैं, जो उनका अपना अलग अंदाज है. और इनके बारे में बात किया जाए तो कुंबले ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में अप्रैल 1990 में पदार्पण किया. इसी वर्ष इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला. अनिल कुंबले ने 132 टेस्ट मैच की 236 पारियों में 619 विकेट लेकर टीम इंडिया के सबसे सफल गेंदबाज बने हुए हैं. 271 एक दिवसीय मैच की 265 पारियों में 337 विकेट लेने के लिए गौरव भी उनके नाम है. कुंबले ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में अप्रैल 1990 में पदार्पण किया. इसी वर्ष इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला. अनिल कुंबले ने नवंबर 2007 में भारतीय क्रिकेट टीम के एक वर्ष तक कप्तान भी रहे हैं. वह 5 वर्ष में 100 विकेट लेने वाले पहले बल्लेबाज थे. और इनके बारे में बात किया जाए तो क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में बात किया जाता है. अनिल कुंबले ने मार्च 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया. क्रिकेट से विदाई के वक्त उन्होंने कहा, क्रिकेट महज खेल है. जब आप खेलते हैं तो जीत या हार जाते हैं, तब यह खेल से कहीं बड़ा लगता है. लेकिन जब आप घर वापस जाते हैं, अपने परिवार और बच्चों को देखते हैं, तब लगता है कि नहीं, यह सिर्फ खेल ही है, उससे ज़्यादा नहीं. यदि पुरस्कार के बारे में बात करें
तो 1965 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंबले ने मार्च 2007 तक कुल 113 टेस्ट मैचों मैच खेले हैं, जिनमें कुल 547 विकेट लिए हैं। एक दिवसीय मैचों से संन्यास लेने तक उन्होंने कुल 271 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 337 विकेट लिए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। लॉट ऑफ थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स।